हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आप कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड को आप कैसे घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बना सकते हो, इस वीडियो में आप बिल्कुल सीख जाओगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने यूडीआईडी मतलब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो या फिर उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। सो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीडी कार्ड रिन्यूअल। मतलब अगर आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप रिन्यू भी करवा सकते हो। तो उसके लिए आप सेकंड नंबर ऑप्शन करेंगे, बट आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। बट अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हो तो ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, और डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अप्लाई के लिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन मिलते हैं, पर्सनल डिटेल का, डिसेबिलिटी डिटेल्स का और एम्प्लॉयमेंट डिटेल और आइडेंटिटी डिटेल। तो यहाँ पे आपको फोर स्टेप्स में आप अपने यूडीआईडी फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है फर्स्ट नेम का, फिर मिडिल नेम और सरनेम, तो इसको आपको वर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में डालना है और मध्य नेम और अपना नाम हिंदी में, और सेकंड फादर नेम को डालना है और फिर मदर नेम डालना है। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं कुछ भी अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे वही सेम चीज़ अपने पिताजी का नाम हिंदी में डालना है और माताजी का नाम हिंदी में, और आपको यहाँ पे आपकी एज शो हो जाएगी कि आप किस एज के हो, ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट मिलता है जेंडर का, तो जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, और आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पे स्टार नहीं है। जिन भी ऑप्शन में स्टार बना हुआ है ये तो उनको आपको फिल करना मैंडेटरी है, जिन पे स्टार नहीं है उनको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसको आप मैंडेटरी नहीं है तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी में सेलेक्ट कर लूँगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, अगर आपको पता है तो सिंपली भर दीजिए, बट हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं रहता हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको आपको भर लेना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि आप किसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ करेंगे, बट अगर आप अपने पिताजी माताजी किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। बट मैं सेल्फ खुद के लिए कर रहा हूँ तो सेल्फ सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जिसका साइज़ 15KB से 13KB के बीच में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको सिग्नेचर का, तो अगर आप सिग्नेचर कर पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर कर लेते हैं तो सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर दीजिए। किसी भी वाइट पेज पे आपको सिग्नेचर करना है और उसका फोटो क्लिक करके इस पर अपलोड करना है, या फिर आप अपने सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो सिंपली आप थंब का मतलब अपने अंगूठे का भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एड्रेस का, तो जो आपको एड्रेस है यहाँ पे अपना बेसिक एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद हिंदी में भरना है वही सेम चीज़, और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी, प्लेस जिस भी गांव से या फिर ब्लॉक से आते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो इनमें आपको कई सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं आधार कार्ड करूँगा अपने एड्रेस के लिए, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उस आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, दोनों साइड की आगे पीछे की, तो दोनों साइड की आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जो भी JPG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जिसका साइज़ 10KB से 100KB में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका जो हमने अभी करंट एड्रेस फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इस पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके उसको सेम भर सकते हैं। बट अगर आपका डिफरेंट है तो आप सिंपली फिल कर दीजिए, उसको आप चेकबॉक्स क्लिक नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल का ऑप्शन मिलता है, तो इस यहाँ पे आप कितने तक पढ़े हैं उसको सिलेक्ट करना है, आप प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास पहले से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। अगर आपके पास पहले ही था तो आपको डिटेल फिल करनी रहेगी, बट मेरे पास नहीं है तो सिंपली मैं नो करूँगा। और यहाँ पे डिसेबिलिटी किस टाइप की है, इन ऑप्शन में से आप अपने हिसाब से
फिल कर सकते हैं। अगर आपको कम दिखता है तो सिंपली आप लो विजन पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डिसेबिलिटी आपको बचपन से है या फिर आपको मतलब सेंस है, तो अगर डिसेबिलिटी आपको अभी से हुई है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको रख सकते हैं, या फिर आपकी बर्थ से डिसेबिलिटी है वो, तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ पे सिलेक्ट करना है। अब आपको डिसेबिलिटी किस जगह है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है कि आंखों में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ऑब्वियसली फेस पे रहेगा, तो आपको मैं जैसे अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी एरिया फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी। तो अगर आपके पास तो इन सब ऑप्शन को आप एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि इनमें कोई भी स्टार नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपली हम इसको एम्प्टी छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं मतलब काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो कब से हैं सिंस आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे BPL से हैं आप या फिर APL से हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और आप किसी से नहीं है तो यहाँ पे NA भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको आपका APL कार्ड या फिर BPL कार्ड नहीं बना तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। यहाँ पे पर्सनल इनकम, आप कितनी इनकम कर लेते हैं एनुअली, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है आपको, जो कि लास्ट स्टेप्स है इसका। तो सिंपली यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, बेसिकली आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट हम इसमें आधार कार्ड देंगे। अगर आपने आधार कार्ड को अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों के लिए आधार कार्ड ही दिया है तो सिंपली आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपको दोबारा से आधार कार्ड की फोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पे टिन नंबर, इसको आपको एम्प्टी छोड़ देना है। और यहाँ पे आधार नंबर आप देना चाहे तो दे सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो सिंपली इसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स को टिक करना रहेगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलता है आपको, अगर आपके पास समग्र स्टेट आईडी है तो आप उसको डाल दीजिए और यहाँ पे अपनी समग्र स्टेट आईडी का नंबर डाल देना है आपको। बट अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप उसको सिलेक्ट नहीं कीजिए। अब यहाँ पे जो कैप्चर शो रहा है उसको डाल देना है फटाक से। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, इसको आपको चेकबॉक्स को टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ ऐसा आपको डिटेल सारी शो हो जाएंगी, मतलब आपके जो फॉर्म हमने फिल किया है अभी उसका आपको एक प्रीव्यू मिलेगा। तो सिंपली आप अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी हुई है उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सिंपली अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपका फॉर्म बिल्कुल राइट है तो सिंपली कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपको कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे आपको सिंपली सारे चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। अब आप यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर आपको शो हो जाएगा। इस इनरोलमेंट नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर सिंपली इसको आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे तो इस इनरोलमेंट नंबर से ही आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे डाउनलोड रिसीट का भी ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और अपनी डाउनलोड रिसीट को PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, तो आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए। अब हम एप्लीकेशन चेक करेंगे कि हमने जो अप्लाई किया है अभी फॉर्म उसका स्टेटस क्या है। तो सिंपली आपको अभी फिर से होम पे आना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी जो इनरोलमेंट नंबर हमें शो हो रहा था उसको यहाँ पे डाल देना है। अब आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। सो यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।